देखिए प्यारे छात्रों, अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं। सभी प्यारे छात्रों का वेलकम है। ये आपका कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन मीन्स परिरक्षण के सिद्धांत। तो आप लोग जानते हैं बेटा कि जो भी फल या सब्जी होता है उसमें लगभग 70 से 95% तक नमी पाई जाती है। तो प्रशिक्षण जो भी पदार्थ बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी तैयार पदार्थ में नमी की मात्रा इस प्रकार से नियंत्रित की जाए, इस प्रकार से कम की जाए कि जिससे हमारा जो भी खाद्य पदार्थ वो ख़राब ना होने पाए। तो इसके लिए बेटा प्रमुख तौर पर तीन सिद्धांत को अपनाते हैं। सबसे पहला सिद्धांत होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ने से बचाना। आप लोग ज़्यादातर फल या सब्ज़ी देखते होंगे जो सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाविधि से समाप्त हो जाता है। तो इसको हमको सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सूक्ष्म जीवों का आक्रमण ना होने दें, मतलब उसको साफ सुथरा रखें और कंटामिनेशन ना होने दें। सूक्ष्म जीवों को हटाना या छानना चाहिए, मतलब अगर फल है तो उसे हटा देना, लिक्विड हो तो छान लेना चाहिए। सूक्ष्म जीवों के विकास को रोक देना चाहिए, मतलब उसमें कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव कर दे जिससे सूक्ष्म जीवों का क्रियाशीलता ना हो सके। सूक्ष्म जीवों को मारना चाहिए, मतलब उसको मारने के लिए कोई भी उसमें अब ऐसा पदार्थ लिखें कि जिससे उनका क्रियाशीलता बिल्कुल रुक जाए और वो पूर्णतया प्रभावित हो जाए, ख़त्म हो जाए। अगला है बेटा कि खाद्य पदार्थों को, जो भी पदार्थों को इसमें सड़ने से बचाना, अपने आप सड़ने से बचाना, और इसमें यहाँ पर आ रहेगा अपने आप सड़ने से बचाना, मिश्र पदार्थों के अंदर होने वाले जो भी एंजाइमेटिक क्रियाशीलता है उसको रोक देना चाहिए। अगला चीज़ कि पदार्थों के अंदर जो भी होने वाली रासायनिक क्रिया है वो बंद कर देना चाहिए या अथवा देर तक रोक रख कर रखना चाहिए। इसके लिए आप चीनी का उपयोग कर सकते हैं, तेल का उपयोग कर सकते हैं, सिरका, जैसे इसमें नमक का और मसाले का। जैसे आप लोग देखते होंगे मुरब्बा बनाते हैं, तो मुरब्बा बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, चीनी का सिरप बना देते हैं जिससे वो ख़राब नहीं हो पाता है। या आप तेल का उपयोग, जैसे आप अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें तेल डाल देते हैं, सिरका में भी, क्योंकि उसकी एसिडिटी बढ़ जाती तो उससे भी नमक का उपयोग कर लेते हैं, ये भी रासायनिक क्रियाओं को रोक देता है। या आप विभिन्न प्रकार के मसालों का उपयोग कर लेते हैं तो इस सबके भी प्रभाव से वो काफ़ी हद तक सही हो सकता है। अगला इसमें ध्यान देते हैं बेटा कि जो भी पदार्थ है, पदार्थों के जो भी कीड़े या फफूंद, जो भी आंतरिक क्षति है, इस सबसे बचाना, मतलब जो भी पदार्थों को फफूंदों के आक्रमण से, मतलब फंगल अटैक से उसको बचाना चाहिए। सूखे पदार्थों को, धूल है या अन्य पतंगों से भी उसको बचाना चाहिए, या पदार्थों या उससे जो डिब्बे या बोतलें उन सबसे नुकसान के बचाना चाहिए जिससे उसका कोई जो फिजिकल इंजरी ना होने पाए, इस सब से बचा करके रखना चाहिए। तो ये प्रमुख तौर पर बेटा सिद्धांत होता है। अगला होता है फल एवं सब्जी परीक्षण के लाभ क्या होंगे। लाभ में देखते हैं तो लाभ बेटा इसमें जैसे फल एवं सब्जी परीक्षण कह सकते हैं कि एक कला है जिसके माध्यम से जो भी फल या सब्जी है उसको अधिक उपयोगी बना करके और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कमाने का, मतलब एक वैल्यू एडिशन मूल्यवर्धन, मतलब एक आंवले की कीमत कम होगी लेकिन वो इसी आंवले का अगर मुरब्बा बना देंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, मतलब वैल्यू एडिशन कर देंगे। अगला चीज़ होता है कि विभिन्न फलों एवं सब्जियों को उपलब्धता एक निश्चित समय तक विशेष तक होती रहती है, अगर उसको प्रिजर्वेटिव कर देते हैं तो साल भर उसकी उपलब्धता बनी रहती है। और जैसे जो भी भंडार गृह या शीत गृह है, समय समय पर उसकी उपलब्धता को बढ़ाई जा सकती है, मतलब अगर परिचित जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो आप मार्केट में निकाल दिए, नहीं तो उसको आप प्रशिक्षित करके रखे रहते हैं, उसका प्रयोग करते रहते हैं। या विभिन्न जो फलों एवं सब्जियों की उपलब्धता पूरे वर्ष तक बनी रहती है, मतलब जब आप चाहे तो आप फलों का उपयोग आसानी से कर सकते हैं, मतलब हर सीजन में हर तरीके का फल मिल सकता है क्योंकि आप प्रिजर्वेटिव करके उसको रख सकते हैं। जैसे टमाटर जब सीजन वो सस्ता हो, और जब टमाटर का सीज़न ना हो तो टमाटर कैचअप बना करके उसको संरक्षित किया जा सकता है, मतलब इस तरीके से आप उसका संरक्षण
कर सकते हैं। या फलों एवं सब्जियों को सड़ने तथा नुकसान से बचाया जा सकता है, ख़राब ना होने पाए। और हमारे देश की जो भी आधे से अधिक जनसंख्या जो महिलाओं का, तो प्राचीन काल से भी इनका योगदान इसमें काफ़ी रहा है। तो कह सकते हैं कि रोज़गार का अच्छा साधन होता है और इनको आमदनी से जोड़ा जा सकता है। स्वयं सहायता समूह बना करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। यह एक इंडस्ट्रियल, मतलब एक अब देखते हैं कि एक औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका काफ़ी तक लाभ मिलता है और इससे ज़्यादा मूल्यवर्धक चीज़ें कमाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से ये आपका फल संरक्षण के सिद्धांत एवं उसके लाभ हो सकते हैं।